मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझसे दूर हटे, चाहे सब मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझसे बैर करें, चाहे सब मुझसे बैर करें, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे मुझे कोई न प्यार न करे, चाहे कोई मुझसे प्यार न करे, चाहे कोई मुझसे प्यार न करे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। क्या गाया हमने? मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है? बहुत अच्छा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाते हुए, आंखें बंद करते हुए, आंखें बंद रखते हुए, हे अब्बा पिता, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया,
जय यीशु। मैं शुरू किया था एक गाना से ना, क्या गाना है, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, प्रभु हमसे प्यार करता है ना, मम्मी पापा से अधिक, भाई बहनों से अधिक, हमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, प्रभु करता है, सबसे ज्यादा प्रभु प्यार करता है। क्यों प्यार करता है, क्यों प्यार करता है, नबी ईसाया के ग्रंथ में अध्याय 43 में हम पढ़ते हैं, वचन 4 में लिखा है, नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 4 में लिखा है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस वचन को दोहराइए, हाथ उठाइए, प्रभु कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाथ नीचे करिए, प्रभु क्या कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रभु क्यों प्यार करता है, प्रभु इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हो, हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हैं। मूल्यवान का मतलब क्या, कीमती। कितने लोगों ने 2000 रुपया का नोट देखा है, हाथ उठाओ, 2000 रुपया का नोट देखा है, कितने लोगों ने देखा, हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने, हाथ नीचे करो। सोना देखा है, कान का सोना देखा है, जिसने देखा हाथ उठाओ, सोना देखा है ना, ठीक है, हाथ नीचे करो। सोना मूल्यवान है ना, कीमती है ना। सोचो कि सोना किसी का कान का या किसी का गले का, गले की चेन, सोने की चेन कीचड़ में गिर गई, तो जिसकी गिर गई वो वहीं छोड़ देंगे, क्यों नहीं, हाँ, क्योंकि कीमती है, इसलिए कीचड़ से निकालेंगे, उसको धोएंगे, फिर पहनेंगे ना, है कि ना। सोचो, किसी से बताना मत, किसी का सोना चेन पाइखाने में गिर गया, कहाँ गिर गया, पाइखाने में गिर गया, क्या करेंगे लोग, छोड़ देंगे, हैं? क्यों, छी छी छी, पाइखाने में गिरा तब भी उसको धो के पहनेंगे ना, क्यों, कीमती है। जी हाँ, हमारे लिए, इंसानों के लिए पैसा कीमती है, सोना कीमती है, चांदी कीमती है, उसी तरह प्रभु के लिए कौन कीमती है, हम कीमती हैं, एक एक व्यक्ति बहुत कीमती है, हम प्रभु के लिए मूल्यवान हैं, तो हम प्रभु के लिए कीमती हैं, हम प्रभु के मूल्यवान हैं, इसलिए प्रभु हमसे क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, प्यार करता है, प्रभु प्यार करता है, हमसे प्यार करता है। जी हां, यदि हमको कुछ चीज कीमती है, मूल्यवान है, उसको हम अच्छी जगह पर रखते हैं, कबड़ में रखते हैं, ताला लगा के रखते हैं, है ना, उसी तरह प्रभु भी हमें अपने नजरों के सामने रखना चाहता है क्योंकि हम उसकी दृष्टि में
कीमती हैं, मूल्यवान हैं, इसलिए प्रभु हमसे प्यार करता है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 वचन 15 में लिखा है, प्रभु कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? प्रभु पूछता है, क्या स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। इस वचन को दोहराइए, हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए। प्रभु कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो तुम्हें भुला दे, अपने बच्चे को भुला दे, तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? यदि वो भी भुला दे तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु क्या कहता है पता है? मम्मी जिसने हमको जन्म दिया है, यदि वो भी भूल जाए तब भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मम्मी पापा हमको भूल सकते हैं? मम्मी पापा भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं ना? हाँ, मम्मी पापा भूल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ मम्मी पापा भी हैं जो भूलते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, कुछ भी हो जाए, मम्मी पापा भूल जाए, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। मतलब प्रभु हमें याद करता है ना, प्रभु हमें याद करता है। कितना याद करता होगा प्रभु? कितना याद करता है प्रभु? कितना याद करता है बोलो? बहुत बहुत अच्छा, बहुत याद करता है। कितने लोगों का भी मम्मी की याद आ रही है बताओ? देखो, मम्मी की याद आ रही है। यहां सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं तब भी मम्मी की याद आती है ना? हाथ नीचे करो, है ना? उसी प्रकार प्रभु को भी याद आता है। किसकी याद? हम लोगों की। वो एक को भी नहीं भूलता है। अभी यहां इतने लोग हैं, मैं सबका नाम सीख नहीं पाऊंगा ना, है ना? मुश्किल होगा ना। कुछ लोगों का नाम मैं जान जाऊंगा, कुछ लोगों को जान जाऊंगा, कहां से हो, किस गांव के हो, मम्मी पापा का नाम क्या है, सबको मैं सीख नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रभु को सबका पता याद है, सबका घर याद है, सबके बारे में याद है, वो सबको याद करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 54, नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 54, अध्याय 54 और वचन 10 में लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। प्रभु कहता है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मेरे पीछे बोलो, प्रभु कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा।
मैं बता रहा था प्रभु की दृष्टि में हम क्या हैं, कीमती हैं, मूल्यवान हैं, बहुत मूल्यवान हैं। इसलिए प्रभु क्या करता है, हम लोगों से प्यार करता है। कितना प्यार करता है? बहुत प्यार करता है। बहुत का मतलब बहुत है ना, बहुत प्यार करता है। तो हमारी कीमत, हम कीमती हैं। कैसे कीमती हैं हम? मूल्यवान क्यों हैं हम? कीमती क्यों हैं? हमारी कीमत कहां लगती है, कैसे लगती है? हमारे रंग पर लगती है, हैं? गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, सुंदर हैं, क्या इसके ऊपर कीमत लगती है? नहीं, हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हैं, हम कीमती हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको अपने जैसा बनाया है। प्रभु ने हमको कैसे बनाया? अपने जैसा। हम प्रभु के जैसे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं वचन 26 में, जब प्रभु ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया, प्रभु ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं, वो हमारे ही सदृश हो, वो हमारे ही जैसे हो। तो इंसान किसके जैसा है? इंसान किसके जैसा है? प्रभु के जैसा। बंदर जैसा नहीं है, गाय जैसे, कुत्ते बिल्ली जैसे नहीं है। किसके जैसे? प्रभु के जैसे। प्रभु ने अपने जैसे बनाया। प्रभु कहता है आओ हम मनुष्य को बनाएं, वो हमारे ही सदृश हो। प्रभु ने अपने जैसे हमको बनाया। कहां बनाया? कहां बनाया? मम्मी के, मम्मी के पेट में, खोक में, खोक में, गर्भ कोष के अंदर खोक में हमको बनाया। जी हां, जब हम बन रहे थे प्रभु ने हमको देखा कि नहीं? देखा है, प्रभु ने देखा है। हम बनते जा रहे थे, पहले इतने छोटे थे, पता है कितने छोटे थे? इतने छोटे, धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, इतने बड़े हो गए। जब इतने बड़े हो गए तब उस हमारे अंदर दिल बन गया, हाथ पांव भी नहीं दिखता थे, और थोड़ा धीरे बढ़ गया, इतने बड़े हो गए तब धीरे धीरे हाथ पांव सब आने लगे, कान आ गए, नाक आ गया, आंख आ गया, और धीरे धीरे बढ़ते गए, बढ़ते गए, है ना। इतने बड़े हो गए। पेट में कितने बड़े होते हैं? बस इतना ही बड़ा है ना, कोई 1.5 किलो का, कोई 2 किलो का, कोई 2.5 किलो का, कोई 3 किलो, कोई 3.5 किलो, कोई 5 किलो। यदि मम्मी मोटी है, खूब खाई है, तो बच्चा भी 5 किलो का हो जाता है, खूब बड़ा हो जाता, मोटा हो जाता है। मम्मी पतली दुबली है, खाने के लिए अच्छा नहीं था, तो छोटा सा 1.5 किलो का। जब हम पेट में बने जा रहे थे, बनते जा रहे थे, प्रभु ने हमको देखा है कि नहीं? देखा है, प्रभु ने देखा है। और वचन में लिखा है, प्रभु कहता है जब तुम मां के कोख में गड़ रहे थे मैंने तुम्हें देखा। और किसने बढ़ाया मम्मी के पेट में से इतना बड़ा सा, इतना बड़ा बड़ा बनाया, छोटे छोटे बड़ा बनाता गया, इतना बड़ा बनाया, किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। उसके बाद 9 महीने के बाद मम्मी के पेट से बाहर आ गए, जन्म हो गया। उसके बाद भी बढ़ने लगे, है ना, धीरे धीरे बढ़ते गए, आज इतने बड़े हो गए ना। तो प्रभु ने हमारे जीवन के एक एक क्षण को देखा है। हम बढ़ रहे थे उसने देखा है, हमारे साथ क्या क्या हो रहा था उसने देखा है, और एक एक क्षण उसने हमारी चिंता किया है। सुनो, प्रभु ने हमारी चिंता किया है, प्रभु ने हमारी चिंता की है, प्रभु ने हमको याद किया है। हमेशा याद करता है प्रभु, हमेशा याद करता है। जैसे आपको मम्मी की याद आ रही है, जिस तरह कुछ लोगों को पापा की याद आ रही है, कुछ लोगों को अपने सहेली की याद आ रही है ना, उसी तरह
प्रभु भी हमको हमेशा याद करता है। क्यों याद करता है? क्योंकि हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। मूल्यवान क्यों हैं? क्योंकि उसने हमें उसके जैसा बनाया है, हमको प्रभु जैसे बनाया है, इसलिए वो हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मम्मी के पेट में, मम्मी के कोख में उसने हमको बनाया, हमारे अंदर उसने अपनी आत्मा डाली है। क्या डाला है? आत्मा। किसका आत्मा है? वो प्रभु का आत्मा है, उसने हमारे अंदर डाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मैं क्या कह रहा था, जैसे एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर ये डाल देता हूं ना, उसी तरह हमारे अंदर प्रभु ने क्या डाला? आत्मा डाला है। तो हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, सबके अंदर प्रभु का आत्मा है। किसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है? हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब सबके अंदर, सबके अंदर प्रभु का आत्मा है। इसका मतलब हम किसके जैसे हैं? प्रभु के जैसे। हम जानवर के जैसे नहीं है, हम बंदर के जैसे नहीं है। किसी को पूंछ है? नहीं ना, नहीं है। हाँ, हम लोगों को प्रभु ने बुद्धि दिया है ना। क्या दिया है? बुद्धि दिया है। जानवर के पास बुद्धि है? हाँ? कोई बोल रहा है? हाँ, उनके पास भी थोड़ी सी बुद्धि है, लेकिन हमारे अंदर सबसे ज्यादा बुद्धि है। इंसान के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धि है। क्या सही है, क्या गलत है, फरकने की बुद्धि इंसान के अंदर है, जानवर के अंदर नहीं है। अब गाय को छोड़ देंगे ना, गाय को छोड़ देंगे, गाय जाके खा जाएगी। लौकी है तब भी खा जाएगी ना, भिंडी का पौधा है तो खा जाएगी कि नहीं? क्या उसको पता है ये भिंडी का पौधा सब्जी के लिए लगाया गया है, हमको नहीं खाना है? गाय को पता है? नहीं पता है। बोड़ो लगाया हुआ है, भैंस को नहीं पता है कि बोड़ो नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे घर वाले रोज बोड़ो खाएंगे। भैंस क्या करेगी? जाके पूरा पौधा ही खा जाएगी ना। हाँ, तो जानवर के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास क्या है? बुद्धि है। तो प्रभु ने हमको बुद्धि दिया है, प्रभु ने हमको बुद्धि दिया है, क्योंकि प्रभु के नजरों में हम क्या हैं? मूल्यवान हैं, कीमती हैं, महत्व रखते हैं, क्योंकि हम उसके सदृश हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 33 में वचन 3 में, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 वचन 3 में प्रभु कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं। कब से? मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता रहा हूं। कब से? कब से? अनंत काल से। अनंत काल का मतलब, अनंत काल का मतलब शुरुआत से ही, जब से सृष्टि हुई है तब से ही मैं तुमको प्यार करता रहा हूं। प्रभु का प्यार चाहिए, प्रभु का प्यार चाहिए, बोलो सच। कितने लोगों को चाहिए प्रभु का प्यार? चाहिए, बहुत अच्छा। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। प्रभु का प्यार चाहिए तो प्रभु से बोलना पड़ेगा, प्रभु मुझे तेरा प्यार चाहिए। मम्मी का प्यार चाहिए तो क्या करते हैं? मम्मी का प्यार चाहिए तो क्या करते हैं? कोई बताओ, क्या करते हो मम्मी का प्यार चाहिए तो? सृष्टि, मम्मी का प्यार चाहिए तो क्या करती हो? मम्मी के गोद में जाके बैठ जाती है ना।
हाँ देखो सिस्टी बोल रही मम्मी की गोद में बैठ जाती है ना, भूमि तुम क्या करती हो, मम्मी का प्यार चाहिए तो हाँ? गोद में बैठ जाती है, बोल रही है गोद में बैठ जाती है तो उसके बाद मम्मी क्या करेगी, खिलाने लगेगी बाबू बुचिया बोलकर ना। तो मम्मी का प्यार मिलने के लिए यदि हम मम्मी की गोद में बैठते हैं तो उसी तरह प्रभु का प्यार पाने के लिए क्या करें, प्रभु का प्यार पाने के लिए क्या करें, प्रभु की गोद में बैठना पड़ेगा, प्रभु की गोद में बैठना पड़ेगा, प्रभु के पास जाना पड़ेगा। इधर सुनो, भूमि के बाद और एक बाबू हो जाएगा मम्मी को, तो भूमि को मम्मी बैठने देगी गोद में, किसको बैठाएगी, छोटे बाबू को बैठाएगी। अभी तुम्हारा नाम क्या बेटा, ज्योति, हाँ ज्योति के और एक छोटा बाबू हो गया, बुचिया है। पहले ज्योति मम्मी की गोद में बैठती आती थी, अभी कौन बैठता है, तुम बैठती हो, नहीं देखो नहीं बैठती है, कौन बैठता है, छोटी बुचिया ना वो बैठती है। लेकिन इधर सुनो, मम्मी के पास और एक बच्चा हो जाता है तो वो दूसरा बच्चा मम्मी की गोद में बैठता है, लेकिन प्रभु के पास जब हम आते हैं हम सबको प्रभु अपने गोद में बैठाता है, क्योंकि प्रभु की गोद बहुत बड़ी है, प्रभु की गोद बहुत बड़ी है। और प्रभु कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु यीशु के शिष्यों ने एक बार बच्चों को रोक दिया, मत जाओ भागो, प्रभु के पास मत आओ, प्रभु व्यस्त हैं, प्रभु थक गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया पता है, अपने शिष्यों को डांट दिया, अपने चेलों को डांट दिया, कहा उन्हें मत रोको, उन्हें मत रोको, बच्चों को मेरे पास आने दो। और प्रभु ने क्या किया, सारे बच्चों को अपने गोद में बिठाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। क्यों क्यों, क्योंकि प्रभु बच्चों से कितना बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए और एक बार गाएंगे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, चाहे मुझे कोई प्यार ना करे, चाहे माँ बाप मुझसे प्यार न करे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया 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 हालेलुया, जय यीशु। फिर एक बार खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करिए, दोनों हाथों को सीने पे लगाइए, ऐसे आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु आंखें बंद करो, बोलो प्रभु मुझे अपने प्यार से भर दे,
प्रभु मुझे अपने प्यार से भर दे, प्रभु मुझे अपने प्यार से भर दे। तू मुझसे प्यार करता है, मुझे गले से लगा ले, मुझे गले से लगा ले। हे प्रेमी प्रभु, तूने कहा क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? यदि वो भी भुला दे तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हे प्रभु, तू मुझे हमेशा याद करता है, मुझे अपने प्यार से भर दे, मुझे अपने प्रेम से भर दे। आंखें बंद करते हुए मन प्रार्थना करना, मन नहीं मन प्रार्थना करना, प्रभु इन बच्चों को अपने प्रेम से भर दे प्रभु। पवित्र आत्मा, प्रेम का आत्मा उतरा, प्रेम का आत्मा उतरा, उतरा, उतरा प्रभु, प्रेम का आत्मा उतरा, छू ले, छू ले, प्रेम का आत्मा उतरा, उतरा प्रभु, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, प्रेम का आत्मा उतरा, एक एक हृदय में, एक एक मन में उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, छू ले प्रभु, छू ले पवित्र आत्मा, हे प्रेम के आत्मा, आजा, आजा, आजा प्रभु, आजा प्रभु, हे बच्चे तेरे प्रेम का अनुभव करें, पवित्र आत्मा, प्रेम का आत्मा उतरा, छू ले, 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 छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले, आंखें बंद रखो, छू ले, छू ले, आंखें बंद रखो, छू ले प्रभु, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, आंखें बंद रखो, प्रार्थना करो, आंखें बंद रखो, प्रार्थना करो, छू ले, छू ले पवित्र आत्मा, छूले, छूले पवित्र आत्मा, छूले, 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 एक एक को छूले, प्रेम का आत्मा प्रभु, प्रेम का आत्मा प्रेम से भर दे। ये बच्चे आज तेरे प्रेम का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें। महिमा, महिमा प्रभु, प्रेम से भर दे, प्रेम से भर दे, एक एक को अपने प्रेम से भर दे, एक एक को अपने प्रेम से भर दे। प्रेम का आत्मा हृदय में आ जा, आ जा, इनके मनों में आ जा, इनके दिल में आ जा, आ जा प्रभु, आ जा प्रेम का आत्मा, प्रेम का आत्मा उतरा, 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 उतरा प्रभु, उतरा प्रभु, उतरा प्रभु, उतरा पवित्र आत्मा, उतरा, उतरा, छूले, 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 छूले प्रभु, छूले आत्मा, छूले पवित्र 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 आत्मा। प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे। प्रार्थना करो बेटा, प्रभु आज बहुत सारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनको मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला है। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको मम्मी प्यार नहीं करती, पापा प्यार नहीं करते, दादा दादी प्यार नहीं करते, भाई बहने प्यार नहीं करते। प्रभु बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि तू सबसे प्यार करता है, तू सबसे प्यार करता है, बच्चों से भी, बड़ों से भी प्रभु, बुजुर्गों से भी तू सबसे प्यार करता है। प्रभु कोई प्यार ना करे लेकिन तू प्यार करता है, सारा संसार बैर करे तब भी तू प्यार करता है, सब नफरत करें तब भी तू प्यार करता है, कोई हमारी चिंता ना करे तो हमारी चिंता करता है, तू किसी का दूसरे कोई ख्याल ना करे तो हमारा सबका ख्याल करता है। हे प्रभु तू सबको याद करता है, तू हमें याद करता है, इसलिए आज तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने प्रेम से हमें भर दे प्रभु, अपने प्रेम से भर दे, एक एक को अपने प्रेम से भर दे, एक एक को अपने प्रेम से भर दे, एक एक अपने प्रेम से भर दे। प्रेम का आत्मा हमारे अंदर आ जा, हमें भी प्रेमी बना दे, हमें भी प्रेमी बना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, इधर सुनो, इधर देखो, प्रभु यीशु कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि प्रभु बच्चों से बहुत प्यार करता है।
जब प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु चाहता है कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें। प्रभु कहता है जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया, सुनो प्रभु क्या कहता है, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। बोलो हाथ उठाते हुए, प्रभु कहता है जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। देखिए प्रभु क्या कहता है, जिस प्रकार प्रभु ने हमसे प्यार किया है, प्रभु क्या कहता है, हमें भी एक दूसरे का प्यार करना चाहिए, अपने भाई बहन का प्यार करना चाहिए, अपने मम्मी का पापा का प्यार करना चाहिए। कितने लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, कितना प्यार करते हैं मम्मी पापा से, कितना, बहुत, हाथ से दिखाओ। कितना इतना, अरे सब लोग इतना दिखा रहे हैं, हाथ नीचे करें। यदि आप मम्मी पापा से इतना प्यार करते हैं तो मम्मी पापा जो बात कहते हैं मानते हैं ना, मम्मी की सेवा करते हैं, पापा की सेवा करते हैं, मम्मी पापा जो कहते हैं यदि नहीं करते हैं इसका मतलब मम्मी पापा से प्यार नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम प्यार करते हैं, इतना करते हैं ना, दिखाते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। और सबसे पहले हमको प्यार किससे करना है, प्रभु से, उसके बाद मम्मी पापा से, उसके बाद भाई बहन से, उसके बाद बाकी सबसे, दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची काका काकी और बहुत लोग हैं ना, सबसे प्यार करना है, सबसे प्यार करना है। जी हाँ, सबसे बड़ा काम इस दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है पता, प्यार करना है ना। प्रभु महान क्यों है, प्रभु महान क्यों है, क्योंकि वो सबसे प्यार करता है। सुन रहे ना, प्रभु महान क्यों है, क्योंकि वो सबसे प्यार करता है, वो दुश्मनों से भी प्यार करता है, सबसे प्यार करता है, इसलिए वो महान है। यदि हमको भी महान बनना है, सुनो हमको भी महान बनना है, हमको भी अच्छे बनना है, क्या करना पड़ेगा, सबसे प्यार करना पड़ेगा। सबसे मतलब मम्मी पापा भाई बहन, सबसे सबसे प्यार करेंगे तब हम भी क्या बनेंगे, महान बनेंगे। सबसे प्यार करेंगे हम भी अच्छे बनेंगे, कितने अच्छे, बहुत अच्छे बनेंगे। तो अच्छे बनने के लिए क्या करना है, अच्छा कपड़ा पहनने से काफी नहीं है, अच्छा बनने के लिए अच्छा कपड़ा पहनना काफी नहीं है, अच्छा बनने के लिए अच्छा खाना खाना काफी नहीं है, अच्छा बनने के लिए अच्छे घर में रहना काफी नहीं है। क्या करना है अच्छे बनने के लिए, क्या करना है, हमको प्यार करना है, सबसे प्यार करना है। सबसे प्यार करने वाले अच्छे होते हैं। माता मरियम को जानते हैं, मम्मी किसकी मम्मी है, प्रभु यीशु की मम्मी, प्रभु यीशु की मम्मी बहुत अच्छी हैं। क्यों बहुत अच्छी हैं, वो सबसे प्यार करती हैं, वो सबसे प्यार करती हैं। मदर तेरेसा को कितने लोग जानते हैं, मां तेरेसा को कितने लोग जानते हैं, यहां तस्वीर कल लगाया होता है कि नहीं है, अच्छा तो मां तेरेसा यहां पर फोटो लगाया है, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, तब भी जब थी ना वो छोटे छोटे बच्चों को उठा उठा के लाती थी, गरीब गरीब बच्चों को उठा के उनसे उनसे प्यार करती थी, जिन बच्चों को फेंक दिया जाता था उन बच्चों को उठा के लाती थी,
जिन्हें दादा दादियों को मरने के लिए छोड़ दिया था उनको उठा के ले जाती थी और उनकी सेवा करती थी, सबसे प्यार करती थी। इसलिए बहुत अच्छी माँ है वो। अच्छा कैसे बनेंगे? प्यार करने से। सबसे पहला प्यार प्रभु से ना, उसके बाद मम्मी पापा से, उसके बाद भाई बहन से, उसके बाद और सबसे। हालेलुया हालेलुया। जितना अधिक प्यार करेंगे उतने ही अधिक हम अच्छे हो जाएंगे। सब लोग अच्छे होना चाहते हो? कौन कौन अच्छा होना चाहता है? सब लोग अच्छा होना चाहते हो? इधर इधर इतना हाथ उठाया है ना, वो आप झूठ बोल रहे हो। यदि अच्छा होना चाहते हो हाथ सीधा करो, हां बोलो। हां तो अच्छा होना चाहते हो तो क्या करना है? प्यार करना है। जी हां, प्रभु से, मम्मी पापा से, भाई बहनों से सबसे प्यार करना है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करिए, बोलिए हे प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से प्यार करता हूं। हे प्रभु, मुझे प्यारा बना दे, मुझे प्यारा बना दे, मुझे प्यार करने वाला बना दे। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु जय यीशु। प्यार करेंगे ना? करेंगे। क्यों प्यार करेंगे? क्यों करेंगे प्यार? अच्छा बनने के लिए, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को अच्छा बनाया है। यहां कोई बुरा है? कोई बुरा है? कोई बदमाश है? सच? कोई नटखट है? नहीं, सब अच्छे हैं। सच बताओ, जो नटखट है हाथ उठाओ। कोई बदमाश है हाथ उठाओ? कोई नहीं उठा रहा, इसका मतलब सब अच्छे हैं। हाँ? देखिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी हाँ, यदि आप कहते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं बदमाश नहीं हूं, मैं नटखट नहीं हूं, इसका मतलब आप अच्छे हैं, है ना? है ना? अच्छे हैं कि नहीं? सब अच्छे हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो कि अच्छे हो कि नहीं, पूरे दिल से बोलो। कितने अच्छे! और अच्छे बनना है कि नहीं? और अच्छे बनना है बेटा, और अच्छे बनना है। ठीक है, अच्छे बनते हैं। अच्छा बनना मतलब अच्छे बच्चे बनते हैं तो हम बड़े हो जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अच्छे इंसान बन जाएंगे। अच्छे इंसान बनना बहुत कठिन है, बुरा बनना बहुत आसान है। बुरा बनना बहुत आसान है, इसलिए एक बार बुरा बन गया उसके बाद अच्छा बनना मुश्किल है। इसलिए हमको हमेशा अच्छे रहना है। कितने अच्छे? बहुत अच्छे। प्रभु यीशु हमेशा हाथ फैला के कहते हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, है ना? मैं बहुत अच्छा हूं, प्रभु हाथ फैला के कहते हैं। और हाथ फैला के सबको अपना बनाने के लिए कोशिश कर, सबको अपने पास बुलाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु जैसे बनेंगे, प्रभु जैसे बनेंगे, सब लोग मुंह से बोलो जोर से, किसके जैसे बनेंगे? प्रभु के जैसे बनेंगे। बदमाश नहीं, नटखट नहीं, चोर नहीं, झूठा नहीं, सच नहीं बनेंगे ना? हाँ बोलो, हे प्रभु, मैं अच्छा बनूंगा।
मैं बुरा नहीं बनना चाहता, मुझे अच्छा बना दे। हाँ, आंखें बंद करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इन बच्चों के ऊपर मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी इन बच्चों को अच्छा बनाइए, अच्छे बने प्रभु। जो भी प्रभु जी अच्छे होने में बाधा है, आज खत्म हो जाए। ये बच्चे अच्छे होने में बाधा खत्म हो जाए, ये बच्चे अच्छे रहने में बाधा खत्म हो जाए। यदि कोई भी ऐसी शक्ति है जिनको बुरा बना देती है, लड़ाती है, चूली कराती है, लड़ाई कराती है, गाली गलौज कराती है, प्रभु जी चोरी कराती है, गंदा काम कराती है, उन शक्तियों को मैं खंडित करता हूँ, नष्ट करता हूँ। ऐसी शक्तियों को आदेश देता हूँ, इन बच्चों को छोड़ के चले जा। इनको बुरा बनाने वाली शक्तियाँ इनके जीवन से दूर चली जाए। इनको बुरा बनाने वाली शक्तियाँ इन बच्चों के शरीर से, बच्चों के जीवन से दूर चली जाएं। प्रभु दया कर, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, तेरी महिमा हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आशीर्वाद प्रदान कर, आमीन। जय शो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। दोनों हाथ उठाते हुए जय यीशु, हालेलुया। हे अब्बा पिता, तेरी महिमा हो। हे अब्बा पिता, तेरी आराधना हो। हे अब्बा पिता, तेरी जय हो। हे अब्बा पिता, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता नाम का जय जयकार करो, पिता नाम का जय जयकार। आत्मा नाम का जय जयकार करो, पवन आत्मा का जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पवन आत्मा का जय जयकार। त्रित्व नाम का जय जयकार करो, त्रित्व नाम का जय जयकार।
जय जयकार करो, जय जयकार करो, त्रित्व नाम का जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 6 वचन 19 और 20 में लिखा है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 19 और 20 में लिखा है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? और वो आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। दाहिना तो उठाइए, बोलिए मेरे पीछे, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? पवित्र आत्मा का मंदिर। अपने गांव में मंदिर देखा है? कितने लोगों ने मंदिर देखा है गांव में? सब लोगों ने देखा है। अच्छा, मंदिर में क्या क्या देखा? मंदिर शुद्ध रहता है कि नहीं? साफ रहता है ना? रोज साफ करते हुए देखा है? हाँ, मंदिर गांव में है। कितने लोग, कभी कभी पंडित जी सुबह उठते हैं, साफ करते हैं ना, धोते हैं, देखे हैं? कभी मंदिर को पोछा लगाते हुए देखा है आपने? नहीं देखा ना? लेकिन मंदिर को साफ किया जाता है, पानी डाल के धो दिया जाता है, देखा है? देखा है? हां, मंदिर को पोछा नहीं लगाते हैं, मंदिर को लोग धोकर शुद्ध करते हैं, धो देते हैं, पानी डालेंगे और झाड़ू से धोकर निकाल देते हैं पानी को, है ना? क्यों? क्यों? पोछा लगाने से गंदगी रुक सकती है, पानी डाल के धोने से सारी गंदगी निकल जाती है। मंदिर जहां पर लोग पूजा पाठ करते हैं, यदि उसको इतना धोया जाता है तो प्रभु कहते हैं, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो यदि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो कौन धोएगा इस शरीर को? कौन धोएगा? हाँ, हम लोगों को ही धोना है ना, अपने से धोना, अपने को धोना है, इस शरीर को पवित्र रखना है। वचन में लिखा है, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आपके अंदर कौन निवास करता है? कौन निवास करता है? प्रभु का आत्मा, ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। और लिखा है, वो आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। पवित्र आत्मा किसने दिया है? पवित्र आत्मा किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। पवित्र आत्मा हमें ईश्वर ने दिया है और वो आत्मा, उसका आत्मा हमारे इस शरीर में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि आपको अपने पर अधिकार नहीं है। लिखा है,
आपको अपने पर अधिकार नहीं है। मतलब हमारे इस शरीर पर हमको अधिकार किसको है? प्रभु को है ना? क्योंकि मंदिर किसका है? प्रभु का है। यह मंदिर, यह भी एक मंदिर है ना, प्रार्थना होती है, इसको भी मंदिर बोल सकते हैं ना, है कि नहीं? वहां मां मरियम का मंदिर देखे हैं? हां। उस मंदिर पर किसको अधिकार है? नहीं, प्रभु को है, मुझे भी है ना, मुझे नहीं है, है ना? उसमें सजाना है, उसको तोड़ना है, कुछ कर, अलग बनाना है, हम कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, उसको थोड़ा सजावट करना है, कुछ ना कुछ गमले रखना है, हम कर सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं ना। हाँ, क्यों बाहर का कोई आके कर सकता है? नहीं ना, बाहर की कोई नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ ब्रदर जी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारा है ना। उसी तरह ये शरीर जो आप लोग यहां बैठे हैं ना, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस पर आपको अधिकार नहीं है। किसको है? प्रभु को है। हाँ, हमारे इस शरीर पर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस पर प्रभु का अधिकार है, प्रभु का अधिकार है। क्योंकि इस मंदिर में उसने क्या रखा है? अपना आत्मा रखा है। प्रभु ने इस मंदिर में अपना आत्मा रखा है, मुझ में उसने अपना आत्मा रखा है, और पवित्र आत्मा जो ईश्वर का आत्मा है वो हमारे अंदर है, इसलिए हमारे शरीर पर हमें अधिकार नहीं है। इसलिए आगे लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। कीमत क्या होता है? कीमत पर मतलब क्या होता है? दाम, पैसा। कीमत पर खरीदे गए हैं। यह मोबाइल हमने कीमत पर खरीदा है, एक कीमत पर यह मोबाइल खरीदा है। जिस प्रकार यह मोबाइल खरीदा गया है, उसी तरह प्रभु का वचन कहता है हम एक एक खरीदे गए हैं। हर इंसान प्रभु ने खरीदा है। कैसे खरीदा है यह मोबाइल? मैंने कैसे खरीदा? पैसे देकर खरीदा है। जी हाँ, ये किताब मैंने कैसे खरीदा? पैसे देकर खरीदा है। जी हाँ, ये सारी किताबें पैसा देकर खरीदा। ये माइक कैसे खरीदा? ये कैसे खरीदा? पुकट में तो मिला नहीं, सब कुछ पैसा देकर खरीदा गया है। वचन कहता है आप भी कीमत पर खरीदे गए हैं। पैसे से खरीदे गए हैं? कैसे खरीदे गए हैं? कैसे खरीदे गए हैं? प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर अपने खून को बहाकर अपने शरीर का एक एक बूंद खून बहाया। कोड़े खाए, मार खाए, कांटों का ताज स्वीकार किया, क्रूस पर ठोंके गए और तड़प तड़प कर मर कर अपने रक्त को बहाकर रक्त को दे दिए, रक्त को दे दिए, बहा के दे दिए। किसको दिए? शैतान को दे दिए, शैतान को दे दिए, शैतान के जो जो कुछ है उसको सब कुछ दिए। यह शैतान का राज्य संसार में है, इस धरती पर प्रभु ने बहा दिया अपना लहू। शैतान ने हमें खरीदा था, शैतान क्या हो चुके थे, प्रभु ने अपना कीमती लहू बहाया और उस कीमती लहू से हमको खरीदा है, है ना। मैंने मोबाइल खरीदने के लिए पैसा दिया, पैसा कीमती है या खून कीमती है? हाँ, अभी सोचो कि मैं अपना उंगली काट के खून बहा दूं, आधा घंटा खून चला जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? आधा घंटा मेरे हाथ का, मेरे शरीर का खून निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं बेहोश हो जाऊंगा, और उसके बाद भी खून जाता रहेगा तो मर जाऊंगा, है ना? नहीं मरूंगा,
मेरा सारा खून निकल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो प्रभु यीशु ने क्या किया, हमें खरीदने के लिए अपना खून बहाया, वो मर गए, हमें खरीदने के लिए मर गए। किसके हाथ से खरीदे हैं? शैतान के हाथ से खरीदे हैं हमको, सुने ना, किससे खरीदे हैं? शैतान के हाथ से खरीदा गया है। तो हम शैतान के नहीं हैं, हम किसके नहीं हैं? हम शैतान के नहीं, हम किसके हैं? प्रभु के हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको खरीदा है। हम प्रभु के हैं, हम शैतान के नहीं हैं। इसलिए शैतान के नहीं हैं तो हम शैतान के काम हमको नहीं करना है, हम प्रभु के हैं तो हमको प्रभु का काम करना है। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन में लिखा है आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। इसलिए लिखा है, इसलिए आप अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। क्या प्रकट करें? ईश्वर की महिमा प्रकट करें। कहां पर? कहां पर? हमारे शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए बोला जा रहा है। ईश्वर की महिमा हमारे शरीर में कैसे प्रकट करेंगे? जो पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है उस पवित्र आत्मा को हमें अपने अंदर रहने देना है। पवित्र आत्मा छोड़ के चला जा सकता है कि नहीं? जो पवित्र आत्मा हमको मिला है, इधर सुनो, पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमको दिया है वो कभी भी हमके छोड़ के चले जा सकता है। जब हम गाली देते हैं, जब हम चोरी करते हैं, जब हम चुगली करते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, गलत काम करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देता है। अभी सोचिए, मंदिर सुंदर बन गया मां मरियम का, और वहां पर मां मरियम की मूर्ति नहीं रह गई तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह जब ये अच्छा शरीर है या मंदिर है प्रभु का, लेकिन उसका आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा तो? इसीलिए पवित्र आत्मा जब छोड़ के चला जाता है, इंसान बीमार हो जाता है। सुनो, इंसान क्यों बीमार हो जाता है? इंसान क्यों कमजोर हो जाता है? इंसान क्यों दुर्बल हो जाता है? जब पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है, जब इंसान पाप करता है, गलत करता है, अन्याय करता है, चोरी करता है, चुगली करता है, ये सब गलत काम करता है, पवित्र आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है। जब शरीर को छोड़ के चला जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, आंखों से दिखना कम होता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है ना, लंगड़े ऐसे ऐसे से हो जाते हैं, कान से सुनाई नहीं देता, वो बीमारी, ये बीमारी, पेट में दर्द, कमर में दर्द, और वो तकलीफ, ये तकलीफ, सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कारण क्या है? क्या कारण है? हमने इस शरीर को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसकी कीमत को नहीं जाना और पवित्र आत्मा को अपने अंदर रहने नहीं दिया। पवित्र आत्मा को अपने अंदर से भगा दिया, पवित्र आत्मा को अपने अंदर से भगा दिया। तो भगा देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, हम बीमार हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। जब पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है, सुनो, कान खोल के सुनो, जब पवित्र आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, इसके अंदर दुष्ट आत्माएं भी आती हैं। पवित्र आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाता है तो इसके अंदर कौन आता है? दुष्ट आत्माएं आती हैं, गंदी आत्माएं आती हैं, मरे हुए लोगों की आत्माएं आती हैं। कब आती हैं? कब आती हैं? जब पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है तो। सामुएल के ग्रंथ में अध्याय 18 में लिखा है, अध्याय 16 और अध्याय 18 में, दोनों अध्याय में पढ़ेंगे। सामुएल के पहले ग्रंथ में लिखा है, साऊल नाम का एक राजा था, साऊल नाम का राजा था, और वो राजा पाप करने लगा, ईर्ष्या, जलन,
द्वेष करने लगा, लड़ाई करने लगा, दूसरों को दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ गया, तो पवित्र आत्मा साउल को छोड़कर चला गया। पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया, जब पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया, साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। कौन आया, कौन आया, कब आया? जब पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया तो दुष्ट आत्मा आ गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब पवित्र आत्मा हमको छोड़ के चले जाता है, दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर आते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने अंदर से जाने नहीं देना है, दुष्ट आत्मा को अपने अंदर नहीं आने के लिए एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर से जाने नहीं देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 16, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। वचन, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, इस वचन को दोहराइए, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। ईश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और आप लोग क्या हैं? आप लोग क्या हैं? आप क्या हैं? ईश्वर का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। यदि हम ईश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे, इस शरीर को नष्ट करेंगे, कैसे नष्ट करते हैं, कैसे नष्ट करते हैं? पवित्र आत्मा को भगा देते हैं। सुनिए ना, पवित्र आत्मा को भगा देते हैं। अभी सोचो, ये आश्रम से मुझे भगा दिया जाएगा तो क्या होगा? सुनाई दिया, इस आश्रम से मुझे भगा दिया जाएगा तो क्या होगा? बोलो, नहीं बोल रहा है? इस आश्रम से मुझे भगा दिया जाएगा तो क्या होगा? लोग आएंगे, लोग रहेंगे, हां प्रार्थना होगी, मिस्सा पूजा होगा, नहीं होगा, है ना? मैं भाग, मुझे भगा दिया जाएगा तो बहुत काम नहीं होंगे, तो सब खंडहर पड़ जाएगा ना, है कि नहीं? खंडहर पड़ जाएगा, लोग नहीं आएंगे, लोग यहां कोई रह नहीं पाएंगे। तो उसी तरह हमारे अंदर से पवित्र आत्मा को हम भगा देंगे, पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अपने शरीर को हम नुकसान करेंगे, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए इसके अंदर पवित्र आत्मा को रहने देने का काम हमारा है। पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर से भगा देंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और दुष्ट आत्माओं का अड्डा बन जाएगा, मृत आत्माओं का अड्डा बन जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है कि हमको इस शरीर का क्या करना चाहिए, इस शरीर का
ख्याल करना है, इस शरीर की देखभाल करनी है। कितने लोग अपने शरीर की देखभाल करते हैं? कितने लोग अपने शरीर की देखभाल करते हो? बस सब लोग नहीं, हाँ सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। हाँ, हमें अपने इस शरीर की क्या करना है? देखभाल करना है, क्योंकि ये शरीर किसका है? ये प्रभु का है, ये प्रभु का है। यदि इस शरीर की हम देखभाल नहीं करते हैं, कैसे देखभाल किया जाता है शरीर की? रोज रोज नहाना चाहिए और ब्रश करना चाहिए, बहुत अच्छा। और हाँ, हाथ पैर रोज धोना चाहिए कि नहीं? बार बार हाथ पैर धोना चाहिए। जी हाँ, नहाना चाहिए, हाथ पैर धोना चाहिए। हाँ, जब हम नहाएंगे, हाथ पैर धोएंगे, दांत धोएंगे, मंजन करेंगे, तब क्या होगा? हम शुद्ध हो जाएंगे। मन और हृदय को भी शुद्ध रखना है। मन में झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, गुस्सा, ये सब रखेंगे तो क्या होगा? गंदा हो जाएगा ना मन, मन गंदा हो जाएगा ना। हाँ, जब मन गंदा हो जाएगा तो क्या होगा? पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा, पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। आप क्या हैं? आप ईश्वर के मंदिर हैं। थोड़ी देर पहले हमने सुना था, हमसे प्रभु प्यार करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। क्यों उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं? क्योंकि हम उसके प्रतिरूप हैं। और अभी हमने सुना कि हमारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस मंदिर में पवित्र आत्मा को रहना जरूरी है कि नहीं? इसके अंदर पवित्र आत्मा को रहना जरूरी है। इस शरीर के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? खाना, पानी, क्या हा? खाना, नहाना, उससे भी बढ़कर सबसे पहला इस शरीर की जरूरत पवित्र आत्मा है। सबसे पहले इस शरीर की जरूरत क्या है? इधर सुनो, नीचे मत देखो। इस शरीर की सबसे पहली जरूरत, आपके शरीर की सबसे पहली जरूरत पवित्र आत्मा। दूसरी जरूरत हमारे इस शरीर को पवित्र रखना, ठीक है? इस शरीर को क्या रखना? पवित्र रखना, नहाना, धोना, मन को शुद्ध रखना। तीसरा है भोजन और चौथा है पानी, ठीक ना? तीसरा है भोजन, पानी तीसरे नंबर पे आता है, कपड़ा चौथे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे क्या आता है? पवित्र आत्मा। इस शरीर के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? पवित्र आत्मा। दूसरी जरूरत क्या है? सफाई, सफाई, मंजन करना, नहाना, धोना, हाँ ये सब सफाई, मन की सफाई, दिल की सफाई, शरीर की सफाई। तीसरी क्या जरूरत है? भोजन और पानी। तीसरी जरूरत क्या है? भोजन और पानी। चौथी जरूरत कपड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यदि सबसे पहली जरूरत पवित्र आत्मा है, हमें मेहनत करना है पवित्र आत्मा के लिए।
हमें मेहनत करना पवित्र आत्मा के लिए, हमको प्रार्थना करना पवित्र आत्मा के लिए, हमको प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु यीशु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। प्रभु ने किसके बारे में कहा है? पवित्र आत्मा के बारे में कहा है। यह नहीं कि लड्डू मांगो तो मैं दूंगा, प्रभु ने नहीं कहा, है ना। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगोगे? तो लड्डू, है ना। प्रभु ने यह नहीं कहा, प्रभु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा। प्रभु ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा, यदि तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। क्या पाओगे? क्या पाओगे? प्रभु को, प्रभु का आत्मा पाओगे, प्रभु का आत्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हे प्रभु, मेरा हृदय, मेरा शरीर पवित्र रखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे शरीर को पवित्र रखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे अब्बा पिता के आत्मा, मेरे अंदर आइए। हे पवित्र आत्मा, मेरे दिल में आइए। हे पवित्र आत्मा, मेरे मन में आइए। हे पवित्र आत्मा, मेरे शरीर में आइए। हालेलुया, हालेलुया। इधर सुनो, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है ना, वो असंभव को संभव बनाता है। पवित्र आत्मा, सुने हो, सुनो सुनो, कान खोल के सुनो। पवित्र आत्मा क्या करता? बड़ी बड़ी महिमाएं करता है। क्या करता है? महिमाएं करता है। जी हाँ, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको पढ़ते समय समझ में नहीं आता है, उनको पवित्र आत्मा मिल जाता है ना, वो पढ़ने में तेज हो जाते हैं। सुने ना, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम पढ़ने में तेज हो जाते हैं, पढ़ने में तेज हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इधर सुनिए, पवित्र आत्मा नहीं आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आता है, तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है। पवित्र आत्मा नहीं आता है, हमारा शरीर बीमार हो जाता है। पवित्र आत्मा नहीं आता है, हमारा शरीर रोगी हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। वचन में सुना है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का आत्मा का मंदिर है। आपके अंदर कौन निवास करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम बीमार नहीं होंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी महिमाएं होंगी। पवित्र आत्मा आते ही प्रभु के चेले लोग, शिष्य लोग ज्ञानी हो गए। उनको ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, प्रज्ञा मिली, विवेक मिला।
पवित्र आत्मा के मिलने से बड़ी बड़ी महिमाएं होती हैं। पवित्र आत्मा के आने से डर खत्म हो जाता है। पवित्र आत्मा के आने से बंधन टूट जाते हैं। पवित्र आत्मा के आने से असंभव संभव हो जाता है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। आओ पवन आत्मा, आओ आओ आओ। थैंक यू लॉर्ड। आओ पवन आत्मा, आओ आओ आओ। अंतर्यामी प्रभु आत्मा, आओ आओ आओ। आओ पवन आत्मा, आओ आओ आओ। आंखें बंद रखना बेटा, आंखें बंद रखना। याद रखो, एक एक बात याद रखो। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसलिए बाइबल कहती है, आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। बेटा आंखें बंद रखो, निर्णय लो अपने आप को पवित्र रखने के लिए, अपने आप को शुद्ध रखने के लिए। निर्णय लो पवित्र रखने के लिए, अच्छा बनने के लिए। अच्छा अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा इंसान। कभी झूठ नहीं, कभी गाली नहीं, कभी अश्लील बातें नहीं, कभी बदमाशी नहीं, कभी नहीं, कभी चोरी नहीं, कभी गलत काम कभी नहीं करूंगा। निर्णय लो, कभी मैं गलत काम नहीं करूंगा। मैं प्रभु का मंदिर हूं, प्रभु का मंदिर हूं। मेरे अंदर प्रभु निवास करता है, मेरे अंदर प्रभु निवास करता है, मेरे अंदर प्रभु का आत्मा निवास करता है। प्रार्थना करो बेटा, प्रार्थना करो अच्छे बच्चे बनने के लिए। मैंने कहा बुरा बनना बहुत आसान है, बुरा बनना बहुत आसान है, अच्छा बनना बहुत कठिन है। निर्णय लो। कभी कभी दूसरों को देखकर गुटखा खाते हैं बच्चे लोग, दूसरों को देखकर गंदी गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्णय लो, अच्छा मैं बनूंगा, अच्छा बनूंगा, अच्छा बनूंगा। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य बच्चों जैसे लोगों का है, स्वर्ग का राज्य बच्चों जैसे लोगों का, बच्चों जैसे। पवित्र बनने का निर्णय लेना बेटा। महान प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, सूरज चांद तारे बनाने वाले, हे जीवित परमेश्वर, दया कर इन बच्चों पर, दया कर इन्हें आशीर्वाद दे, इन बच्चों को आशीर्वाद दे। महान पिता, पवित्र आत्मा उंडेल दे, पवित्र आत्मा उंडेल दे, एक एक अंदर अपना आत्मा उंडेल दे। पवित्र पवित्र परमेश्वर, सनातन पिता, दया कर तू अपने बच्चों पर, दया कर इनको, तूने इनके माँ के कोख में गड़ा है। पवित्र आत्मा से भर दे, भर दे, एक एक को पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा, ज्ञान का आत्मा, सत्य का आत्मा, ईमानदारी का आत्मा, प्रज्ञा का आत्मा, विवेक का आत्मा इन्हें प्रदान कर। पवित्र पवित्र प्रभु दया कर, पवित्र आत्मा दया कर, प्रभु दया कर, परमेश्वर पिता दया कर, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, एक एक पवित्र आत्मा से भर जाए।
पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना मुझको तू प्रभु, मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना मुझको तू प्रभु, मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना मुझको तू प्रभु, मंदिर बना। चलता फिरता मुझे मंदिर बना, भला चंगा मुझको तू मंदिर बना। चलता फिरता मुझे मंदिर बना, भला चंगा मुझको तू मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना मुझको तू प्रभु, मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना मुझको तू प्रभु, मंदिर बना। प्रेम शांति का मुझे मंदिर बना, पवित्रता का मुझे मंदिर बना। प्रेम शांति का मुझे मंदिर बना, मुझे मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना मुझको तू प्रभु, मंदिर बना। मंदिर बना प्रभु, मंदिर बना मुझको तू प्रभु, मंदिर बना। सिने पर हाथ रखिए, सिने पर हाथ रखिए, सीने पर हाथ रखिए, आंखें बंद रखिए, मन से कहिए, प्रभु मैं तेरा मंदिर बनना चाहता हूँ, पवित्र मंदिर है, मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। महान परमेश्वर मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर, ताकि मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँ, इस देश का अच्छा नागरिक बन जाऊँ, इस संसार का एक अच्छा मनुष्य बन जाऊँ। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे पवित्र कर। मैं अपने घर में अच्छा बच्चा, अपने समाज में अच्छा इंसान, अपने देश का अच्छा नागरिक बन जाऊं। हे प्रभु मुझ पर दया कर, महिमा हो तेरी। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हर आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। सबको जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं आप लोग? आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने दोनों हथेलियों को खुला रखेंगे। हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। किसकी उपस्थिति में आए हैं? प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। आज प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आए हैं। बोलिए जोर से हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हम लोगों को अपने पास बुलाने के लिए। प्रभु हम तुझे सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, हम संपूर्ण आत्मा से आपको धन्यवाद देते हैं। किसको धन्यवाद देते हैं?
जोरदार ताली बजाइए प्रभु के लिए। हम कहां पर आए हुए हैं? किसके पास हम आए हैं? प्रभु के पास। हम उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आए हैं, उस भोजन को ग्रहण करने के लिए आए हैं जो हमें दुनिया नहीं दे सकती है। क्या नहीं दे सकती है? दुनिया नहीं दे सकती है, एक मनुष्य नहीं दे सकता है, लेकिन हम उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आए हैं जिस शिक्षा को प्रभु यीशु आप लोगों को और हम में देना चाहते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए हम थोड़ी देर सबको अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज के दिन के लिए कि हम प्रभु के पास आए हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए, हमें जीवन देने के लिए प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, आकाश पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, दिन और रात को बनाने वाले प्रभु, और जो प्रभु यीशु हमसे कहते हैं छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं बच्चों की तरह है। ये प्रभु हम तेरे पास आए हैं तेरे सानिध्य में तेरे उपस्थिति में। प्रभु इन सभी बच्चों को तुझे समर्पित करता हूँ और यहाँ पर के पुरोहित फादर को और यहाँ पर जितने भी विश्वासी भाई बहन लोग हैं सब उनको तुझे समर्पित करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस कैंपस को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, पवित्र लहू से चारों ओर से घेर दीजिए, किसी भी अनहोनी घटना ना हो, अंधकार की शक्तियाँ प्रवेश ना करें। प्रभु हम आप सभी की उपस्थिति में हैं, प्रभु हम सबों को आशीर्वादित कीजिए प्रभु यीशु। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे शक्तिशाली प्रभु यीशु के नाम पर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु भय से बचा, आमीन। हे माँ मरियम, हम लोगों के लिए विशेष रूप से बच्चों के लिए यहाँ पर उपस्थित हर एक जनों के लिए माँ प्रार्थना करना। प्रणाम मरिया, कृपा पूरन प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। बोलिए हल्लेलुया। प्रिय बच्चों, आप लोग जब घर में रहते हैं खेलते कूदते हैं तो लोग तो आपको अगल बगल के लोग गाली देते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और कई प्रकार की पीड़ाएं आपको देते हैं। और आज आप सब चीज को छोड़कर, घर द्वार को छोड़कर प्रभु के पास हम उस चीज को ग्रहण करने के लिए आए हैं जिस चीज को कोई दुनिया नहीं दे सकती है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। बोलिए हल्लेलुया। वो कौन सी चीज है? वो कौन सी चीज है जो हमें दुनिया नहीं दे सकती है और कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, कोई आपके मम्मी पापा नहीं दे सकते हैं, शिक्षक लोग नहीं दे सकते हैं? ऐसा कौन सा चीज है जिसको मनुष्य नहीं दे सकता है, दुनियाई चीज नहीं दे सकता है? कौन सा चीज है? हाँ प्रभु, ध्यान से सुनना,
बोलिए हले लुया, हले लुया। सत्य, सत्य को कोई दे नहीं सकता है। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं सत्य मार्ग और जीवन, सत्य मार्ग और जीवन, सत्य मार्ग और जीवन। प्रभु यीशु कहते हैं सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। इसलिए प्रभु यीशु को कौन कौन लोग देखना चाहते हैं? प्रभु यीशु को सब देखना चाहते हैं। कितने लोग प्रभु यीशु को छूना चाहते हैं? कितने लोग प्रभु यीशु को सुनना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं। हाथ नीचे करो, बोलिए हले लुया, हले लुया। प्रभु यीशु को जो देखना चाहता है, प्रभु यीशु को जो सुनना चाहता है, प्रभु यीशु को छूना चाहता है, तो आपको सत्य को पहचानना है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है प्रभु यीशु ही है। प्रभु यीशु को कैसे हम छुएंगे? कई प्रभु यीशु को कैसे हम देखेंगे? प्रभु यीशु को हम छू सकते हैं, प्रभु यीशु को हम देख सकते हैं, प्रभु को हम अनुभव कर सकते हैं, जब आप लोग और मैं जब छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार रहते हैं और बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार रहते हैं, तो हम प्रभु यीशु को छू सकते हैं, प्रभु यीशु को सुन सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना सकते हैं। बोलिए हालेलुया। हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 10 में, ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन कैसा है? देखो, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार रहता है वह बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार रहता है, और जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार नहीं रहता लेकिन बेईमान रहता है, वह बड़ी से बड़ी बातों में भी क्या रहता है? बेईमान रहता है। बोले हले लुया, हले लुया। आइए अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और दोहराएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। बोले हालेलुया। आप लोग में से कितने लोग छोटी छोटी बातों में ईमानदार हैं? कितने लोग जब विद्यालय जाना रहता है तो कितने लोग समय के अनुसार विद्यालय जाते हैं? सबको ताली बजाइए। प्रभु यीशु कहते हैं एक धनी युवक था। धनी युवक वह ईमानदार को पहचानना चाहता था, वह उसे अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता था, अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता था। तो एक दिन क्या होता है, प्रभु यीशु के पास आता है। प्रभु यीशु के पास आया और उसने पूछा, प्रभु मुझे अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, मुझे ईमानदारी को प्राप्त करने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तब प्रभु यीशु ने कहा, क्या आपने धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ा है क्या कि धर्म ग्रंथ में लिखा है अपने माता पिता का आदर करना, मनुष्य की हत्या ना करना, चोरी, झूठ, व्यभिचार, परस्त्री की कामना। जब युवक ने कहा मैं ये सब नहीं करता हूं,
तब प्रभु यीशु ने उसे कहा, तब ये काम करो, आप धनी हो ना, धनी हो इसलिए आप अपने धन को क्या करो, गरीबों को बांटो, तब तुम सत्य को पहचानोगे, ईमानदारी को पहचानोगे, तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तब वह युवक क्या करता है, वह युवक कहा कि मैं कितने सालों से कमा के रखा हूं, उसको कैसे बेच सकता हूं, उसे कैसे बेच सकता हूं, उसे मैं नहीं बेच सकता हूं। तब प्रभु यीशु से कहते हैं, तब आप अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करोगे, तब आप सत्य को नहीं पहचान पाओगे, ईमानदार को नहीं पहचान जाओगे। बोलिए हल्लेलुया। प्रिय बच्चों, झूठ कौन बुलवाता है, झूठ कौन बोलता है, हाँ, शैतान। कितने लोग शैतान को देखे हैं, शैतान को देखे हैं, झूठ शैतान बुलवाता है, तो कैसे जानते हैं कि शैतान को देखे हैं। आजकल शैतान कैसे आता है, कैसे शैतान आता है, पहले शैतान बड़ा बड़ा सिंह था, वैसा नहीं आता है शैतान आजकल कैसे आता है। वो पहले शैतान काला काला पहन करके आता था, आजकल शैतान काला नहीं पहनता है, क्योंकि लोग जान जाते हैं कि शैतान आ रहा है बोल, इसलिए उन्होंने अपना रूप बदल दिया है। आपने देखा होगा गिरगिट, देखे हैं गिरगिट, गिरगिट अपना रंग बदल देता है, क्या कर देता है, रंग बदल देता है। तो वैसा ही आजकल शैतान भी क्या कर लिया है, अपना रंग बदल दिया है, क्यों, ताकि ईश्वर के बच्चे लोग, ईश्वर के बच्चे लोग शैतान को क्या करें, नहीं नहीं पहचान पाए। बोले हल्लेलुया हल्लेलुया। इसलिए शैतान कई रूपों में आता है, एक पहला रूप में तो आता है, पहला रूप में कैसा आता है, आजकल मोबाइल के रूप में आता है शैतान, आजकल सुंदर सुंदर चीजों में आता है, अच्छी अच्छी चीजों में आता है शैतान, कैसे आता है, सुंदर सुंदर चीजों में और अच्छी अच्छी चीजों में, जो फिसलता है उसमें आता है। सबसे ज्यादा आजकल शैतान मोबाइल में आता है, क्या में आता है, मोबाइल में आता है। मोबाइल में लोग क्या देखते हैं, ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, ज्यादातर तो उसमें पबजी खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, और मोबाइल लोगों को अपने कब्जे में रख देता है, उससे निकल नहीं पाते हैं, तो शैतान उसमें घुसा रहता है, किसमें, मोबाइल में। और मोबाइल के द्वारा ही जब हम किसी को फोन करते हैं, हेलो आप कहाँ हो, तो बोलेंगे मैं घर में हूं, लेकिन कहां पर है वो, बाजार में रहता है। झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है, बोलता है। बोलिए हल्लेलुया हल्लेलुया। प्रिय बच्चों, शैतान कई रूपों में आता है। जब आप अपनी मम्मी पापा का आदर नहीं करते हैं, तो आपको शैतान क्या करवाता है, अपने कब्जे में लेकर के अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करवाता है। कितने लोग अपने मम्मी पापा का आदर करते हैं, आदर करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, हाथ नीचे करो। कितने लोग आज तक अपने मम्मी पापा का आदर कभी कभी नहीं किए हैं, उन लोग उठाओ, कभी कभी अपने मम्मी पापा का आदर नहीं किए, कभी कभी अपनी मम्मी को झूठ बोले हैं, पापा को झूठ बोले हैं, भैया को झूठ बोले हैं, दीदी को झूठ बोले हैं, दादाजी को झूठ बोले हैं। हाँ, झूठ बोले उस समय शैतान आपके पास था। जब जब हम झूठ बोलते हैं, शैतान हमारी पास रहता है। बोले हल्लेलुया हल्लेलुया। इसलिए शैतान को हराने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शैतान को हराने के लिए प्रभु के वचन को सुनना चाहिए, सत्य
सत्य को सुनना चाहिए, इसलिए सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 वाक्यांश 3 में, जहां पर प्रभु का वचन कहता है कि प्यार और ईमानदार को अपने से अलग अलग नहीं करो और उन्हें अपने गले में बांध लो और अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। आइए हम इस वचन को दोहराते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्यार और ईमानदार को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आजकल लोग गले में क्या चीज को बांधते हैं? क्या क्या नहीं सुनाई दिया? एक जन बोलो। गले में बहुत सारे लोग झूठ को यहां पर बांधे हुए हैं, गाली को यहां पर बांधे हुए हैं, या गले में नफरत को बांधे हुए हैं, हिंसा को बांधे हुए हैं, और बहुत सारे लोग अपने गले में गाली को रखे हुए हैं। गाली, बड़ा बड़ा गाली, छोटा छोटा गाली नहीं, बड़ा बड़ा गाली को कहां पर रखे हैं? गले में। और प्रभु का वचन क्या कह रहा है? प्यार और ईमानदार को गले में बांधो, नफरत को नहीं। जब हम झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं, अपने मम्मी का पापा का आदर नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, तो हम शैतान को गला में बांधते हैं। किसको बांधते हैं? शैतान को गला में बांधते हैं। इसलिए हमें प्यार और ईमानदार को गले में बांधना चाहिए, प्यार और ईमानदार को गले में बांधना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था, और विद्यालय में वो बच्चा सबसे आगे सबसे अच्छा अंक प्राप्त करता था। हर परीक्षा में वो 90 से ऊपर ही लेकर आता था, 90 से ऊपर लेकर के आता था, हर एक विषयों पर, चाहे वह गणित हो, अंग्रेजी हो, भूगोल हो, संस्कृत हो, अन्य विषय कोई भी विषय हो, सब विषय में वे 90 से ऊपर ही अपना अंक लेकर के आता था। क्यों? एक दिन उसे सभी के सामने, सभी विद्यार्थियों के सामने उसे पूछा गया कि अच्छा आप कैसे पढ़ाई करते हैं, आप कैसे पढ़ाई करते हैं और आप सबसे अच्छा अंक लेकर के आते हैं, और आप बच्चे हैं लेकिन आप गुरु लोगों की तरह, टीचर लोगों की तरह आप पढ़ाते हैं। तब उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा कि मैं रोज दिन जब सब कोई मम्मी पापा भाई बहन लोग सब कोई सोने के लिए जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सब दिन भर का काम करके लोग थक जाते हैं, थकने के बाद लोग सो जाते हैं, तो ये क्या करता है, अपने अपने बिस्तर में जाने से पहले क्या करता है, अपने बिस्तर में जाने से पहले एक छोटा सा पवित्र वेदी बनाया गया था, जहाँ पर प्रभु यीशु का फोटो रखा गया था, माँ मरियम का फोटो रखा गया था, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, रात में सोने जाने से पहले, सबको जाने से पहले वहाँ पर छोटा बच्चा जाता है और उससे प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करता है और कहता है कि प्रभु शुभ रात्रि, गुड नाइट बोलता है। क्या बोलता है? गुड नाइट। गुड नाइट मतलब क्या होता है? शुभ रात्रि। वैसा बोल करके चला जाता है, और चला जाता है सुबह में, जैसे ही सुबह होती है उठता है, सबसे पहले हम लोग उठने के बाद कहाँ जाते हैं, हम लोग जब अपने बिस्तर से उठते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ, बाथरूम जाते हैं ना, मैदान के लिए जाते हैं,
और बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हैं, और वो बच्चा क्या करता था, अपने बिस्तर से उठेगा और सबसे पहले अपने मम्मी पापा सब चीज को भूल करके तुरंत अपने बिस्तर से उठ करके दौड़ी 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 जाएगा, और जहां पर प्रभु येसु और माँ मरियम का फोटो है जाएगा, दरवाजा खोलेगा और बोलेगा, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग येसु जी, गुड मॉर्निंग जीसस, इतना बोलेगा और चला जाएगा, चला जाएगा काम करने के लिए, सुबह का काम करेगा। काम करने से पहले जब विद्यालय जाना रहेगा, स्कूल जाना रहेगा, स्कूल जाने से पहले क्या करेगा, फिर जाएगा वैसी रूम में जाएगा जहां पर प्रभु येसु का फोटो, मां मरियम का फोटो रखा है, वहां पर जाएगा और फिर वहां पर जाकर के क्या करेगा, वो बच्चा फिर जाकर के उससे कहेगा, हेलो, और प्रभु को बोलेगा, हेलो, मैं जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं पढ़ने के लिए, हमारा साथ रहना, इतना ही बोल करके चला जाएगा। फिर वो चला जाएगा, फिर दोपहर शाम में जो विद्यालय जाएगा पढ़ाई खत्म करने के बाद, फिर वह पुनः वापस आएगा, तो जैसे ही अपना घर में घुसेगा अपने किताब कॉपी को लेकर के कहां जाएगा, फिर उसी रूम में जाएगा जहां पर प्रभु के लिए स्थान देते हैं, वहां पर जाएगा, फिर बोलेगा, हेलो, और प्रभु क्या बोलते थे, प्रभु से कैसे बातें करते थे, आप किसी को बोलते हैं हेलो बोलते हैं तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बोलिए हाय, बोलिए हेलो, आप लोग बोलिए हाय, बोलिए हेलो, मैं बोलूंगा हेलो तो आप बोलिए हाय, हेलो, मैं हाय बोलूंगा तो आप लोग बोलेगा हेलो, हाय, हेलो, हेलो, हाय, ऐसा ही बातें करता था प्रभु से। जब जब प्रभु के पास जाता था, प्रभु येसु का फोटो के पास जाता था और वहां पर ऐसे बोलता था, हेलो बोलेगा, जब बच्चा बोलेगा प्रभु को हेलो तो येसु क्या बोलते थे, हाय बोलते थे, और जब येसु बोलेगा उसको हाय तो क्या बोलेगा, हेलो बोलता था। और जैसे ही विद्यालय से पढ़ लिख करके आएगा, उसके बाद सबसे पहले वे अपने कॉपी किताब को लेकर के जाएगा, उसी रूम में लेकर के जाएगा जहां पर प्रभु का तस्वीर रखा है, वहां पर जाएगा, उसके बाद बोलेगा, हेलो, मैं आज पढ़ते पढ़ते थक गया, मैं उसके साथ लड़ाई किया, आज मुझे इतना ज़्यादा होमवर्क मिला है, ये टीचर हम लोगों को हिंदी पढ़ाई है, ये टीचर हम लोगों को गणित पढ़ाई है, ये टीचर हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई है, अब तू मुझे क्या पढ़ाएगा, पूछता था प्रभु येसु से, अब तू मुझे क्या पढ़ाएगा, तो बोलता था कि प्रभु से कहता था, तुम थक गए हो ना, मेरे पास आओ, क्योंकि प्रभु येसु कहते ना, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये प्रभु वहीं पर आता था थक करके, वही प्रभु के चरणों पर ही सो जाता था। ये उसका प्रतिदिन का वो कार्य था कि अपना काम करने जाएगा, छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, और मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं। और ये व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन प्रभु से मुलाकात करेगा, जाएगा काम करके आएगा, और जब कभी भी खेत में काम करने जाएगा, खेत में काम करने के बाद मम्मी पापा लोग उसके साथ रहने के बाद, खेलने कूदने के बाद, हर समय प्रभु से मिलने के लिए आता था, क्योंकि प्रभु येसु मरे नहीं हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रभु येसु को मार दिया गया लेकिन तीसरे दिन जी उठा, प्रभु येसु सचमुच में जी उठा, और वे राज्य करते हैं। कैसे राज्य करते हैं, आत्मा के रूप में राज्य करते हैं, पवित्र आत्मा के रूप में राज्य करते हैं। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्रिय बच्चों, प्रभु ने उस बच्चा को आशीर्वादित इसलिए किया था क्योंकि वह अपना समय प्रभु येसु को देता था, अपना समय एनर्जी प्रभु को बताता था। किसको बताता था? अच्छा, एक और ध्यान से सुनेगा,
जब आपको विद्यालय में खेलते हैं कूदते हैं, जब दुख हो जाता है, पीड़ा हो जाता है, परेशानियां होती हैं, आप किसको बताते हैं? किसको नहीं सुनाई दे, किसको बताते हैं? मम्मी को। और किसको बताते? मम्मी को और पापा को बताते हैं। निकले ये बच्चा था, अपने दुख को, पीड़ा को, अपने परेशानियों को किसको बताता था? प्रभु को बताता था। क्योंकि मम्मी को बताने से क्या होता है, मम्मी बोलेगी बेटा छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हो जाएगा। यही से कौन बोलेगी? मम्मी बोलेगी। लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपने कोई बच्चा किसी बच्चा को मार दिया, मम्मी देखेगी तो मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी क्या बोलेगी? रुको रुको, उसको पीटते हैं, इधर पीटेगी ना, वैसे पीटती है ना। प्रभु को ये मम्मी उसको ना पीटने के बदले जमीन को पीटती है और उसको ठगती है, बोलती है कि मैं उसको क्या कर रही हूं, मार रही हूं। लेकिन बच्चा क्या हो जाता है, वो सोचता है कि मम्मी क्या बोल रही है, सच्ची का मार रही है। बच्चा को क्या मिल रहा है? सच्ची का मार रही है और मम्मी झूठ नहीं बोल रही है। इसलिए बच्चा उसको क्या कर लेता है, उस झूठ को क्या कर लेता है, गले लगा लेता है। बोले हालेलुया। इसलिए वह बच्चा किसको बताता था? अपने दुख को। कोई बच्चा कोई मार देगा उससे, कोई उसे गाली देगा तो बोलेगा ये फलना सूरज मुझे गाली दिया, प्रभु उसको मुझे गाली दिया, मैं किसको बताऊं? मम्मी पापा को बताऊंगे तो मम्मी पापा उसको क्या नहीं करेंगे, मम्मी पापा उसको डांटेंगे नहीं, क्योंकि उसका घर तो दूर है। अब जब विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी के साथ लड़ाई करते हैं, गाली गलौज देते हैं, तो मम्मी को या पापा को आकर के बताते हैं, मैं वो मुझे गाली दे रहा था। क्या बोल रहा दे रहा था? गाली दे रहा था। तो मम्मी क्या बोलती है, मम्मी लोग क्या बोलते हैं? तो उसके पास नजदीक मत जाना, और नहीं तो कभी मम्मी उससे मिलेगी तो बोलेगी गाली, मेरे बेटे को गाली मत देना, नहीं तो मैं तुमको क्या करूंगी, मारूंगी। लेकिन उसी बात को हम प्रभु को बताएंगे तो क्या होगा? अगर प्रभु को बताएंगे, प्रभु वो ना मुझे मार रहा था, वो ना मुझे गाली दे रहा था, वो ना मेरा पेंसिल को पेन को छीन रहा था, तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु का आंख खुला खुला है, प्रभु की आंखें बंद नहीं होता है। इसलिए हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे, जहां प्रभु कहते हैं मैं दृश्य और अदृश्य सब कुछ का ईश्वर हूं। जो तुम फुसफुसाहट की बातें करते हो उसको भी मैं जानता हूं। प्रभु महान प्रभु है, उसकी आंखें खुली हुई है। इसलिए प्रभु को हमें पहचानना है, प्रभु को क्या करना है, पहचानना है। प्रभु को पहचानने के लिए हमें सत्य और ईमानदारी को गले तक में क्या करना है, पहनने रहना है। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ेंगे, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 10 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्यांश 10 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हमें कब तक ईमानदार रहना है? प्रभु का वचन हमसे कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। आइए हम इस वचन को दोहराते हैं। दाहिना हाथ प्रभु के लिए उठाओ। यह हाथ किसका है, यह हाथ किसका है? तो प्रभु के लिए उठाओ ना, कि बहुत सारे लोगों के पास हाथ नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको क्या दिया है, हाथ दिया, अच्छा हाथ दिया है। यह हाथ किसका है? सच में कितने लोग विश्वास करते हैं यह हाथ प्रभु का है? यह प्रभु का हाथ को किसके लिए इस्तेमाल करते हो? किसी को मारने के लिए? प्रभु मारता है क्या? यह प्रभु का हाथ है
तो इस हाथ से तुम प्रभु को किसी को मारते हो तो इस हाथ से चोरी करते हो कि नहीं करते हो? चोरी करते हो नहीं करते हो? यह प्रभु का है, यह हाथ किसका है? प्रभु का है। प्रभु का हाथ है तो चोरी नहीं करेगा यह हाथ। प्रभु का हाथ है तो किसी को मारेगा भी नहीं। इसलिए आइए हम इस हाथ को प्रभु के लिए उठाते हैं। और यह मुख किसका है? यह मुख किसका है? प्रभु का है तो प्रभु के लिए बोलेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। क्या चीज का मुकुट प्रदान करूंगा बोल रहे हैं प्रभु? जीवन का मुकुट को प्राप्त करना कौन कौन चाहते हैं? जीवन का मुकुट हमें कैसे मिलेगा? जीवन का मुकुट हमें जब हम, मैं और आप कब तक ईमानदार रहेंगे? मृत्यु तक। यहां से आज चले जाने के बाद, आप यहां से चले जाने के बाद, गेट के बाहर निकलने के बाद ही आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और आप विद्यालय नहीं जाते हैं, मम्मी पापा का आदर नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो क्या प्रभु आपको जीवन का मुकुट प्रदान करेगा? नहीं करेगा। जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए हमें ईमानदारी को हमें गले लगाना है, मृत्यु तक ईमानदार रहना है। कब तक? कब तक? मृत्यु तक, बुढ़ापे तक नहीं, मृत्यु तक। जब तक हमारी मृत्यु ना होगी तब तक हमें ईमानदार रहना है। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया। लेकिन मृत्यु तक कैसे ईमानदार रहेंगे? हमारे चारों ओर तो अंधकार की शक्तियां हैं, चारों ओर दुनियाई चीजें हैं। मेरे पड़ोसी में, मेरे विद्यालय में तो सब लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, और छोटा छोटा गाली देते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा गाली देते हैं। आपके विद्यालय में जब आपके दोस्त कितना बड़ा बड़ा गाली देता है? इतना बड़ा बड़ा गाली देता है। मां बहन का बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा गाली देता है। और इन सब से हम लोग कैसे दूर रह सकते हैं? कैसे अपने आप को ईमानदार, बुढ़ापे तक, मृत्यु तक ईमानदारिता को बचा सकते हो? प्रार्थना के द्वारा। क्या के द्वारा? उस बच्चा को देखा, उस बच्चा कैसे प्रार्थना करता था? सुबह उठ करके प्रार्थना करता था, सुबह उठ करके प्रार्थना करता था, विद्यालय जाने से पहले प्रार्थना करता था, सोने जाने से पहले प्रार्थना करता था, और भोजन करने से पहले भी। आज आप लोग भोजन खाए तो भोजन से पहले प्रार्थना हुआ कि नहीं हुआ? और घर पे जा करके कितने लोग भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं? सबको भोजन से पहले प्रार्थना करना है। अगर कल प्रभु भोजन देना बंद कर देगा तो, कल से प्रभु भोजन देना बंद कर देगा तो प्रार्थना करो। प्रार्थना में प्रभु देते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम प्रार्थना में मेरा नाम लेकर मेरे पिता से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हर समय प्रार्थना करना है। चाहे हम विद्यालय जाएंगे, पढ़ाई करेंगे या भोजन करेंगे, सब समय हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं, सत्य वचन को सुनने के लिए आए हैं, जो प्रभु यीशु कहते हैं, मैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ, स्वर्ग का द्वार मैं हूं,
हम उस प्रभु के पास आए हुए हैं जो प्रभु पवित्र प्रभु है। वो प्रभु के पास आए हैं जो आपको बनाया है, आपके मम्मी पापा को, भाई बहनों को बनाया है। आइए हम अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे मम्मी पापा लोगों को जो हमें भेजे हैं, हम अपने मम्मी पापा को समर्पित करेंगे, अपने दोस्त को समर्पित करेंगे, अपने परिवार के हर एक जनों को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे, अपने टीचर लोगों को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे, अपने विद्यालय के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे, अपने पड़ोसियों को समर्पित करेंगे, अपने मेहमान लोगों को समर्पित करेंगे और उन बच्चों को भी समर्पित करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जो आज यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, जो प्रभु महान प्रभु है, दयालु प्रभु है, जो हमें जानता है, हमें नाम लेकर हमें पुकारा है। हम सब प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु हम सबों से प्यार करते हैं। आइए हम प्रभु की प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ हमारे मम्मी पापा के लिए जो मुझे यहाँ पर आने के लिए मौका दिए हैं, तेरे पास रहने के लिए, तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे जीवंत वचनों को सुनने के लिए। मेरे घर वालों ने मुझे छुट्टी दी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, तू बच्चों से प्रेम करता है। हे प्रभु यीशु, हम विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। हे प्रभु यीशु, हमें अपना ज्ञान और विवेक दे दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में, मेरे शरीर में, मेरे शरीर के कण कण में अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे बीच में आइए, इन बच्चों के ऊपर आइए, हमारे शरीर के ऊपर आइए। यह शरीर तेरा है, हम तेरे प्रतिरूप बनाए गए हैं, मेरी आंखें तेरी आंखें हैं, मेरा मुख तेरा मुख है, मेरा जीव तेरी महिमा करने के लिए है, मेरा हाथ तेरे अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए है। हे प्रभु यीशु, इस शरीर को पवित्र कर दीजिए, इस शरीर को पवित्र कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना।
साधना तेरी स्तुति। गाइए, मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। अभी कोई ताली नहीं बजाएंगे, हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ो। हम आंखें बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आए हुए हैं। प्रभु हम लोगों को देने वाले हैं, अपना ज्ञान विवेक देने वाले हैं। हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। जो जो लोग प्रभु की महिमा प्रभु की स्तुति ज़्यादा करते हैं, प्रभु अपनी आशीष और कृपा ज़्यादा देते हैं। इसलिए अपने हाथों को, दोनों को हाथों को जोड़े रहिए। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु हम सबों को आशीर्वादित देना चाहते हैं। आइए हम प्रभु के हाथों को पकड़ेंगे, अपने प्रभु के हाथों को पकड़ने के लिए प्रभु का सहारा मांगेंगे। प्रभु की आत्मा हमें बहुत जरूरी है। मेरे पीछे गाइएगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। गाइए, मेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में आशा का वेद है, तेरे ही वचनों में आशा का भेद है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा।
आइए हम थोड़ी देर शांत होकर अपने स्थानों पर शांतिपूर्वक बैठेंगे। अलेलुया मुक्ति देने वाला यीशु अलेलुया मुक्ति देने वाला यीशु अलेलुया यहाँ जाऊँ कर जय यीशु अलेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अलेलुया मुक्ति देने वाला यीशु अलेलुया मुक्ति देने वाला यीशु अलेलुया शांति देने वाला यीशु अलेलुया शांति देने वाला यीशु अलेलुया राजाओं का राजा यीशु अलेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अलेलुया राजाओं का राजा यीशु अलेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु अलेलुया आराधना हो आराधना राजाओं के राजा की आराधना हालेलुया 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 आराधना प्रभु आराधना प्रभु महिमा प्रभु महिमा प्रभु महिमा आराधना महिमा आराधना महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी आराधना प्रभु महिमा हो तेरी स्तुति और प्रशंसा महिमा आराधना स्तुति और प्रशंसा प्रभु तेरी महिमा राजाओं के राजा तेरी महिमा प्रभु के प्रभु तेरी महिमा उपस्थित हर एक बच्चों के लिए तुझे धन्यवाद तेरे शरीर तेरी महिमा प्रभु महिमा प्रभु महिमा प्रभु महिमा महिमा प्रकट करना प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु तेरे नाम से चमत्कार हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रभु यीशु तेरे नाम में शक्ति है तेरे नाम में मुक्ति है एक एक बच्चों को छू लेना प्रभु यीशु बला बला महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो प्रभु महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो प्रभु महिमा हो महिमा हो प्रभु महिमा हो महिमा हो प्रभु महिमा हो राजाओं के राजा तेरी महिमा हो प्रभुओं के प्रभु तेरी महिमा हो राजाओं के राजा तेरी महिमा हो प्रभुओं के प्रभु तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो यीशु महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो मुक्ति दाता यीशु तेरी महिमा हो जीवन दाता यीशु तेरी महिमा हो मुक्ति दाता यीशु तेरी महिमा हो
जीवन दाता यीशु तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो प्रभु महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो यीशु महिमा हो, शांति दाता प्रभु तेरी महिमा हो, शक्ति दाता यीशु तेरी महिमा हो, शांति दाता यीशु तेरी महिमा हो, शक्ति दाता यीशु तेरी महिमा हो, महिमा हो प्रभु महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो यीशु महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, बच्चों में प्रभु तेरी महिमा हो, ईश्वर धाम में महिमा हो, बच्चों में प्रभु तेरी महिमा हो, ईश्वर धाम में महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो प्रभु महिमा हो, दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाते हुए ताली बजाएंगे, महिमा हो यीशु महिमा हो, महिमा हो यीशु महिमा हो, महिमा हो प्रभु महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, हालेलुया 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 हालेलुया, ताली बजाते हुए आंख बंद रखते हुए, हालेलुया हालेलुया, महिमा यीशु, महिमा यीशु, महिमा यीशु, महिमा हो यीशु, महिमा प्रभु, महिमा तेरी, महिमा तेरी, महिमा प्रभु, महिमा प्रभु, महिमा प्रभु, महिमा प्रभु, महिमा 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 यीशु महिमा यीशु महिमा महिमा आंखें बंद करेंगे बच्चे लोग, आंखें बंद करो, हाथों को जोड़ेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें, प्रभु यीशु हमारे जीवन में महिमा करना चाहता है, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे अपना पवित्र आत्मा दे दे, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर, मुझे ज्ञानी बना, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे प्रज्ञा चाहिए, मुझे विवेक चाहिए, ताकि मैं पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सकूँ, मुझे अच्छा बच्चा बनना है, प्रभु दया कर, आइए पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आइए पवित्र आत्मा मेरे अंदर, मुझे आज़ाद कर दे, बंधनों से आज़ाद कर दे प्रभु, मुझे बंधनों से आज़ाद कर दे, हर प्रकार की गुलामी से आज़ाद कर दे, हर प्रकार की गुलामी से आज़ाद कर दे, स्वतंत्र कर दे, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, प्रभु महिमा हो, आंखें बंद रखिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु से कहिए प्रभु तेरी महिमा हो जाए हमारे जीवन में, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु महिमा हो जाए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में भी तेरी महिमा हो जाए प्रभु जी, महिमा हो, बंधनों से आज़ादी, बंधनों से आज़ादी, अंधकार के शैतानी शक्तियों से आज़ादी, दुष्टात्मों से आज़ादी, बड़े बड़े बंधन टूटते जाएं, बंधन टूटते जाएं, अंधकार के शैतानी कदम टूटते जाएं, जादू टोना तंत्र मंत्र हो जाए, शुकैती का बंधन टूटते जाएं, प्रभु इन बच्चों के ऊपर जितने बंधन हैं, पाप के बंधन, पूर्वजों के पाप और श्राप के बंधन टूटते जाएं प्रभु जी, टूटते जाएं पुराने से पुराने बंधन, बड़े बड़े बंधन टूटते जाएं, महिमा हो महिमा हो महिमा हो प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर, महिमा कर महिमा कर महिमा कर, हबाशी प्रभु तेरी महिमा हो जाए, प्रभु तेरी महिमा हो जाए,
प्रभु तेरी महिमा हो जाए, प्रभु तेरी महिमा हो जाए, प्रभु दया कर, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, प्रभु महिमा कर, महिमा कर, महिमा कर प्रभु, एक एक के जीवन में, बच्चों के जीवन में प्रभु तेरी महिमा हो जाए, महिमा हो जाए, महिमा हो जाए, प्रभु तेरी महिमा हो जाए, प्रभु तेरी महिमा हो जाए, प्रभु जी बच्चों में तेरी महिमा हो जाए, प्रभु बच्चों में तेरी महिमा हो जाए, प्रभु बच्चों में तेरी महिमा हो जाए। धन्यवाद, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, बच्चों के ऊपर जितने बंधन है तोड़ दे, पुराने से पुराने बंधनों से बच्चों को आजाद कर दे प्रभु जी। सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना, सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी अर्चना। हे दयालु प्रभु जी, बंधनों से स्वतंत्र करने के साथ साथ बच्चों को बुद्धि प्रज्ञा विवेक का आत्मा प्रदान कर, बच्चों को बुद्धि प्रज्ञा विवेक का आत्मा प्रदान कर, एक एक पत्र आत्मा निवास करे, एक एक ऊपर तेरा पवित्र आत्मा निवास करे, पवित्र आत्मा हमें बंधनों से, इन बच्चों को बंधनों से आजाद करे, स्वतंत्र करे, हर प्रकार के गुलामी से आजाद करे। सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना, सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना। गाइए, सुन ले प्रभु हमारी अर्चना। हे दयालु प्रभु जी, बच्चों के जीवन में बड़ी बड़ी महिमाएं हो प्रभु जी, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा मिले, जो भी रोग हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, बंधन हैं, उनसे छुटकारा मिले। बच्चों को प्रभु जी तू छूने की कृपा कर, इन बच्चों को छूने की कृपा कर, स्वतंत्र कर, स्वतंत्र कर प्रभु जी, स्वतंत्र कर प्रभु जी, मिलान का अधिकार, जादू टोना का अधिकार, तंत्र मंत्र का अधिकार सब तोड़ दे, तोड़ दे, स्वतंत्र कर प्रभु, स्वतंत्र कर, एक एक बच्चे को स्वतंत्र कर प्रभु, महिमा हो जाए, महिमा हो जाए। सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना, सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी अर्चना। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रेम का आत्मा, अपनी शांति का आत्मा, अपने आनंद का आत्मा हमें प्रदान कर, इन बच्चों पर अपने आनंद का, अपने प्रेम का, अपने शांति का आत्मा उंडेल दे। तेरा आत्मा एक एक के हृदय में निवास करे, पवित्र आत्मा एक एक के मन में निवास करे, आनंद से भर दे, प्रेम से भर दे, शांति से भर दे। सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना, सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु दयालु प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इन बच्चों को ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा विवेक का आत्मा प्रदान कर प्रभु, इन बच्चों को, जितने बच्चे दूर दूर से इस प्रोग्राम को देखते हैं, उन बच्चों को स्वतंत्र करते हुए ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा विवेक का आत्मा प्रदान कर, ताकि ये पढ़ाई में आगे बढ़ते जाएं, जीवन में आगे बढ़ते जाएं, ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा हासिल करते हुए जीवन में ऊंचाई तक चले जाएं।
सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना, सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी अर्चना। हे दयालु प्रभु जी, इन बच्चों को आशीर्वाद दे, इन बच्चों को आशीर्वाद दे प्रभु, इन बच्चों को आशीर्वाद दे प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर, छू ले प्रभु, छू ले पवित्र आत्मा। आंखें बंद करो बच्चे लोग, आंखें बंद रखो प्रभु, दया कर, एक एक पर अपना आत्मा उंडेल दे, पवित्र आत्मा उंडेल दे, पवित्र आत्मा उतरा, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा प्रभु जी, इन बच्चों को प्रभु जी छू ले, छू ले, छू ले प्रभु, पुराने से पुराने बंधनों से आजाद कर दे, आजाद कर दे, स्वतंत्र कर दे, हर गुलामी से आजाद कर दे, हर पाप श्राप के बंधन से आजाद कर दे, टोना जादू टोना से आजाद कर दे, स्वतंत्र कर दे, आशीर्वाद दे, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना, सुन ले प्रभु हमारी प्रार्थना, सुन ले प्रभु हमारी याचना। दाहिना उठाइए, बोलिए मेरे पीछे, हे प्रभु आज हमने सीखा है, आज हमने सीखा है, हम तेरा प्रतिरूप हैं, हम तेरा प्रतिरूप हैं, तूने हमें, तूने हमें अपने सदृश में बनाया है, अपने सदृश बनाया है, हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, तेरे जैसे बने रहने के लिए, तेरे जैसे बने रहने के लिए हमें कृपा दीजिए, हमें कृपा दीजिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमने सुना है, हमने सुना है, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, हम पवित्र आत्मा का मंदिर बनकर, हम पवित्र आत्मा से बांधकर पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, अपने आत्मा द्वारा, हमें आत्मा द्वारा हमें संचालित कर, हमें संचालित कर, हे प्रभु, हे प्रभु, हमने वचन में सुना है, हमने वचन में सुना है, हमें ईमानदारी का जीवन बिताना चाहिए, हमें ईमानदारी का जीवन बिताना चाहिए, ईमानदार लोगों को, ईमानदार लोगों को तू जीवन का मुकुट देता है, तू जीवन का मुकुट देता है, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम ईमानदारी से, हम ईमानदारी से परिश्रम करते हुए, परिश्रम करते हुए, पढ़ाई लिखाई करते हुए, पढ़ाई लिखाई करते हुए, माता पिता की आज्ञा मानते हुए, आज्ञा मानते हुए जीवन में आगे बढ़ सके, जीवन में आगे बढ़ सके, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग घुटने टेक सकते हैं घुटने टेकेंगे बच्चे लोग। मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करना बेटा, हाथ उठाओ, हाथ उठाइए, मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करिए, आंखें बंद करिए बच्चे लोग, प्रार्थना करो मम्मी के लिए, पापा के लिए प्रार्थना करो, दिल से, दिल से प्रार्थना करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, प्रभु से कहो, प्रभु मेरे मम्मी को आशीर्वाद दे, मेरे पापा को आशीर्वाद दे, दिल से बोलो बेटा, दिल से बोलो, प्रभु जो आप बच्चे प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता है, प्रभु सुनता है, प्रभु सुनता है, मम्मी के लिए क्या मांगना चाहते हैं, पापा के लिए क्या मांगना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए क्या मांगना चाहते हैं, मांगो प्रभु से,
मांगो, दिल से मांगो, विशेष रूप से प्रभु से कहो, प्रभु मेरे मम्मी को मेरे पापा को पवित्र आत्मा दे, मेरे मम्मी को मेरे पापा को पवित्र आत्मा दे। बोलो प्रभु से, प्रभु मेरे मम्मी को मेरे पापा को पवित्र आत्मा दे, मेरे घर में पवित्र आत्मा उंडेल दे, मेरे घर में पवित्र आत्मा उंडेल दे, मेरे घर को मंदिर बना प्रभु जी, तेरा आत्मा मेरे घर में आए, तेरा आत्मा मेरे घर में एक एक को अपने अधिकार में ले, तेरा आत्मा पवित्र आत्मा मेरे परिवार के एक एक सदस्य को संचालित करे। यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, अब्बा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, पावन आत्मा वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं। धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, तूने चुना एक जीवन नया, तूने चुना एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आशीर्वाद चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जीवन चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, दुष्ट आत्मा के हमले में हैं, अधिकार में हैं शैतान के, गलत रास्ते पे हैं, गंदी आदतों में पड़े हैं, प्रभु उन पर दया करे, प्रभु दया कर बच्चों पर दया कर। बहुत सारे बच्चों तेरे उठाते हैं आशीर्वाद दे, बहुत सारे बच्चों पर तू अपनी आशीष उंडेल दे, रोगी बच्चों को चंगा कर, दुखी बच्चों को सांत्वना दे, बंदी बच्चों को छुटकारा दे, अभिशप्त बच्चों का आशीर्वाद दे, जिन बच्चों को मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला है उनको अपने प्यार में भर दे, एक एक को गले से लगा ले। महिमा हो तेरी,
महिमा हो तेरी, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। क्या सीखा आज, क्या सीखा? सबसे पहले प्रवचन में सुबह हमने क्या सीखा, हम कौन हैं? हम मूल्यवान हैं, हम मूल्यवान हैं, इसलिए ईश्वर हमसे प्यार करता है। वो हमसे क्यों प्यार करता है? क्यों? हम बहुत मूल्यवान हैं, कीमती हैं, उसकी दृष्टि में महत्व रखते हैं, इसलिए प्रभु हमसे प्यार करता है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या सुनी, हम पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा कहाँ निवास करता है? हमारे शरीर में। इसलिए शरीर की पहली जरूरत क्या है? पवित्र आत्मा। दूसरी जरूरत क्या है? सफाई, पवित्रता। तीसरी जरूरत क्या है? भोजन पानी, खाना पानी। चौथी, कपड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी फादर प्रवचन दिए थे, सुना रहे थे, क्या सुना हमने? हमको कैसा जीवन जीना चाहिए? कैसा जीवन? ईमानदारी का जीवन। जो जीवन में ईमानदार रहता है, छोटी से छोटी बातों में ईमानदार रहता है, वो बड़ी बातों में भी ईमानदार रहता है। जो ईमानदार रहता है उसको प्रभु बहुत आशीष देता है। जो ईमानदार रहता है प्रभु क्या देता है उसको? बहुत आशीष देता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वचन 21 में लिखा है, जो ईमानदार है उसको प्रभु सम्मान देता है ना, उसको सम्मान देता है। जी हाँ, सम्मान चाहिए तो हमको ईमानदार होना है। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो। कितने सुबह से आप यहां पर थे, किसके पास आए थे? प्रभु के पास। प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, और बच्चों को प्रभु ने आशीर्वाद दिया है ना। कितने लोगों को प्रभु का आशीर्वाद मिला है? मिला, मिला, बहुत अच्छा। ताली बजाते प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने अपने हाथों से छुआ, किसी को अनुभव हुआ, प्रभु ने अपने हाथ रख कर छू दिया किसी को, प्रभु ने हाथ रख कर छू दिया। एक हाथ उठ रहा है उधर से, दो हाथ उठ रहे हैं, तीन, चार, कई लोग उठा रहे हैं, कई लोग उठा रहे हैं। किसी ने अनुभव किया है तो देखा देखी मत करिए। क्या प्रभु ने अपना हाथ आपके ऊपर रखा था, अनुभव हुआ, आपको महसूस हुआ? हाथ उठाओ, सब लोग मत उठाना जी, जिसको महसूस हो वही लोग उठाओ, थोड़ा हाथ लहरा दो। बहुत अच्छा, ताली बजाते प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक बात सुनो, प्रभु के पास जो भी आया है ना, कभी खाली नहीं गया। प्रभु यीशु के पास जो भी आया वो खाली नहीं गया। प्रभु के पास एक अंधा आया था, वापस जाते समय देखते गया। प्रभु यीशु के पास एक कोढ़ी आया था, जिसके सब कोढ़ होकर सब सूख गए थे, प्रभु ने उसको छू दिया, वो चंगा होके चला गया। प्रभु यीशु के पास एक बार 10 कोढ़ी आए थे और 10 कोढ़ी चंगे होके गए। प्रभु यीशु के पास एक अधिकारी आया था, जेरूस नाम का, उसकी लड़की मर गई थी। प्रभु यीशु के पास वो आया था तो प्रभु यीशु उसके पास जाकर उसकी लड़की को क्या किए, क्या किए? मार डाले, जिला दिए। जी हाँ, प्रभु यीशु के पास एक औरत आई थी जिसको 12 साल से खून गिर रहा था, 12 साल से खून गिर रहा था, और वो जा प्रभु के पास आई तो ठीक होके चली गई, है ना। प्रभु के पास जो भी आया खाली, प्रभु के पास जो भी आया वो खाली, प्रभु के पास जो भी आया वो खाली नहीं गया। हम खाली जाएंगे? नहीं जाएंगे, प्रभु हमें भी आशीर्वाद देता है। हालेलुया, जय यीशु,
जय यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया।